नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तमन्ना। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ओके क्रेडिट, जहां पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने व्यवसाय को एक ऊंचे मुकाम तक लेके जा सकते हैं। छोटे मोटे टिप्स आपसे शेयर करते हैं और रोज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होने की कोशिश करते हैं। और आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो जुड़ा है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस के साथ। अब सरल शब्दों में बोलूँ, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, इसकी डेफिनेशन शायद हम सबको मालूम है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इंडिया से अगर कोई सामान अमेरिका में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सीधे वो अमेरिका में ही जाकर रुकेगा। तो कई सारे देशों से होकर गुजरता है ये सारा सामान, ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, आज इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान किस किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है, ताकि अगर आप भी कुछ ऐसा बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको एक छोटा सा क्लू मिल जाए, एक हिंट मिल जाए। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का बिजनेस शुरू कैसे होता है, खत्म कहाँ पर होता है और इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये भी आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तीन तरह से होता है, बाय सी, बाय एयर, बाय रोड। अब स्क्रीन पर देखें, आपको यहाँ तीन कॉलम दिख रहे होंगे, ये रहा सी और ये एयर और फिर आ गया रोड। सबसे पहले हम बात सी वाले प्रोसीजर की करते हैं। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, जहां से इसकी शुरुआत होती है, वो है एक्सपोर्टर वेयरहाउस, और उसके बाद आता है पोर्ट, उसके बाद आता है शिप, और उसके बाद आता है दूसरी कंट्री को पोर्ट, और फिर आता है इंपोर्टर का वेयरहाउस। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक्सपोर्टर हैं और आप केरल में हैं, तो प्रोसेस ये है कि आप अपने वेयरहाउस केरल में हो। जब आपने अपना माल रेडी कर लिया और ट्रक को बुला लिया, उस ट्रक में माल लोड करवा दिया और अब वो ट्रक वेयरहाउस से निकलकर पोर्ट पर पहुंच गया है, और चूंकि आप केरल में हैं तो आपका माल कोची पहुंच गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब पोर्ट पर पहुंचने के बाद ट्रक का माल अनलोड किया जाएगा और उसे कंटेनर में लोड किया जाएगा, कंटेनर जो सी शिपमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। आपका माल कंटेनर में लोड होने के बाद वहाँ कस्टम की प्रोसीजर फॉलो की जाती है, तो कस्टम के जो इंस्पेक्टर रहते हैं वो वहाँ पर आएंगे और उस माल की चेकिंग करेंगे, फिर वो कंटेनर में लोड किया जाएगा और फिर कंटेनर को सील किया जाएगा। सील होने के बाद कंटेनर आगे जाता है और वो जो सी पोर्ट में शिप लगे हैं उसी शिप पे कंटेनर को लोड किया जाता है, और अब पोर्ट से निकलने के बाद कंटेनर को शिप में लोड किया जाता है। और जैसे कि कंटेनर शिप में लोड किया जाता है, वैसे ही शिप सेल हो जाती है, और जैसे ही शिप अपनी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करती है, तब कहा जाता है कि विसल इज सील्ड। अब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आपकी शिप पहुंच गई है अमेरिका के पोर्ट पर। वहां पर क्या होगा, वहां जाकर भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा जो इंडिया में फॉलो हुआ था। कंटेनर को उतारा जाएगा और फिर वहाँ अमेरिका का कस्टम इंस्पेक्टर आएगा और फिर वो आपके माल की डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगा, यानी कस्टम क्लियरेंस होगा, और फिर इंपोर्टर को कस्टम के हिसाब से, कस्टम के रूल के अकॉर्डिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पेमेंट करना होगा, और इंपोर्टर द्वारा पेमेंट करने के बाद कंटेनर इंपोर्टर को दे दिया जाएगा और फिर वो इंपोर्टर अपने माल को अपने वेयरहाउस में ले जा सकेगा। तो ये प्रोसीजर था एक्सपोर्ट का, अब बात इंपोर्ट की कर लेते हैं। हालांकि प्रोसीजर लगभग सेम ही रहेगा, बस इंडिया की जगह आप अमेरिका लिख लीजिए और अमेरिका की जगह इंडिया लिख लीजिए। बात अब करते हैं कि बाय एयर हम ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं या फिर बाय एयर इसका प्रोसेस क्या है। वेयर हाउस से शुरू होगा बाय एयर भी, अगर आप इस प्रोसेस को देखेंगे तो इसका प्रोसेस वेयर हाउस से शुरू होगा। डिटेल में समझते हैं, माल वेयर हाउस से निकल गया है और अब आएगा एयरपोर्ट पर। तो देखिए, जैसे ये कोची पोर्ट है वैसे ही यहाँ पर एयरपोर्ट आएगा। प्रोसीजर लगभग सेम है, सी के थ्रू बिजनेस करते समय आपको अपना कार्गो पोर्ट पर ले जाना था, और अब जब आपका एयर शिपमेंट से करना है तब आपको अपने कार्गो एयरपोर्ट पर लाना होगा, और वहाँ माल पहुँचने के बाद जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, कस्टम है, वो उस माल की जाँच करेगी, डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा भी चेक करेगी। वैसे ही अब एयरप्लेन है और अब सील किया गया, कार्गो एयरप्लेन में डाला जाएगा और फिर यहाँ से कार्गो लेकर गया प्लेन दूसरी कंट्री जहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे वहाँ के एयरपोर्ट पर पहुँचेगा, और फिर यहाँ कस्टम क्लियरेंस होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पेमेंट किया जाएगा और फिर माल इंपोर्टर को दे दिया जाएगा।
अब बात करते हैं बाय रोड प्रोसीजर की। अब बाय रोड प्रोसीजर जाहिर सी बात है कि बाय रोड प्रोसीजर तभी मुमकिन है जब आसपास की कंट्री में आपको सामान एक्सपोर्ट कराना है या इम्पोर्ट करना है, जैसे आपको भारत से नेपाल के लिए एक्सपोर्ट करना है या फिर भूटान ले लीजिए, तो ये तभी मुमकिन है बाय रोड। आप इस प्रोसेस को समझें और देखिए कि बाय रोड किस तरह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया जाता है। स्क्रीन पर देखिए, जैसे सी में कोची पोर्ट था, एयर में आया एयरपोर्ट, अब रोड के प्रोसीजर में आएंगे बॉर्डर्स। तो आपको वेयरहाउस से माल बॉर्डर पर लेके जाना है और वहां भी कस्टम का प्रोसीजर फॉलो होगा। उसके बाद माल डोमेस्टिक ट्रक में लोड होगा, यहां जैसे शिप में लोड हुआ फिर प्लेन में लोड हुआ और अब बाय रोड में ट्रक में लोड किया जाएगा और उसके बाद ये ट्रक पहुंचेगी दूसरी कंट्री के बॉर्डर पर। अब चूंकि आपने अपनी कंट्री के बॉर्डर से माल पास करवा के दूसरी कंट्री में भेजा है, तो अब वहां आपके माल का एग्जामिन किया जाएगा और फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस को पे करने के बाद माल इंपोर्टर को दे दिया जाएगा। तो यही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसीजर, या यूं कहें कि ये सारा जो चक्र है ये घूमता है बाय सी, बाय एयर और बाय रोड के अंतर्गत। तो अब अगर आप भी सोच रहे थे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस मेरे लिए कर पाना मुमकिन है या नहीं है, तो आपको हमने छोटा सा क्लू दे दिया है, आप इस बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल आपको यही कहूंगी कि अगर आप हमारे नए यूजर हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए ताकि हम आपके सामने नए से नई चीजें जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी वीडियो कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें बोल सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाए। नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।